राम के अपने आराध्य के भक्ति में डूब जाए। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में महज कुछ ही मिनटों का समय बाकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं और इससे पहले शुभ संस्कारों की शुरुआत मंगलवार 16 जनवरी को ही हो गई थी। 21 जनवरी रविवार तक ये जारी रही और प्राण प्रतिष्ठा के लिए 12:29:08 से लेकर 12:30:32 का मुहूर्त चुना गया है। और प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में अगर हम आपको बताएं कि तमाम देश से दुनिया से खास तौर पर विशिष्ट मेहमानों को आमंत्रित किया गया है और रविवार से ही इन मेहमानों का अयोध्या धाम पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया था। जब वो पैदल चलकर आएंगे तो आपको लग जाएगा वो पैदल आने के लिए उन्होंने सूचना दी है। वो पैदल आएंगे, अभी बैठ जाइए। मैं उत्तरी भाग के संतों से निवेदन करता हूँ, बैठ जाइए, बैठ जाइए। साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर, क्यों न हो। भगवान श्री राम पधारे हैं, भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे, वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के, बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन संस्कृति के बिंब के रूप में, कर्तव्य परायण स्वरूप में, धर्म परायण स्वरूप में, 140 करोड़ देशवासियों के प्रतिनिधि के रूप में, तेज तप और तपश्चर्या के पर्याय के रूप में, भारत भारतीयता के अग्रदूत के रूप में और साथ ही साथ सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक के रूप में प्रस्तुत हैं गर्भगृह में। सनातन संस्कृति के संवाहक के रूप में, भारत की एकात्मता के, भारत के वैभव के इस अटूट प्रदर्शन के आज दिन को पूरी दुनिया साक्षी हो रही है। और अगर देखें तो निश्चित तौर से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, कहा जा सकता है कि वह शंकर का तेज लिए आता है, सत्य सनातन शाश्वत का वह वेग लिए आता है, माथे पर अपने त्रिपुंड सजाकर जगत गुरु भारत का संदेश लिए आता है। और वह संदेश है वसुधैव कुटुंबकम का, वह संदेश है सर्वे भवन्तु सुखिनः का, वह संदेश है कृण्वन्तो विश्वमार्यम का, वह संदेश है वयम् राष्ट्रे जाग्रयाम पुरोहितः का, यानी कि हम राष्ट्र में जागते रहें और राष्ट्र निर्माण में हम संलग्न रहें। आज इतिहास लिखा जा रहा है, सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दिव्य भव्य नव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री संकल्प ले रहे हैं। ये संकल्प है उन हुतात्माओं के लिए, ये संकल्प है उन बलिदानियों के लिए, ये संकल्प है उन राम भक्तों के लिए,
ये संकल्प है भारत भारतीयों के लिए, ये संकल्प है सनातन संस्कृति के लिए, ये भारत के जगत गुरु स्वरूप का भी संकल्प है। और आज हम साक्षी बन रहे हैं, प्रधानमंत्री साक्षी हो रहे हैं, साक्षी भाव से उपस्थित हैं श्री राम लला के बाल मूर्ति विग्रह के सामने। अजय, जिस तरह से आप ये अद्भुत दृश्य देख रहे हैं, सुनील शास्त्री जी इस वक्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए संकल्प कराते हुए और प्रधानमंत्री एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा के संकल्प के बाद जो 6 गृहस्थ हैं वो इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपनी ओर से, जिन्होंने लगातार तपस्या की है, भूमि पर शयन किया है, बिना कोई अन्न ग्रहण किए लगातार जब से उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा का संकल्प लिया है तब से वो 6 के 6 परिवार तपस्या कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी भी पिछले 11 दिनों से तपस्यारत हैं और उन्होंने दक्षिण भारत के अलग अलग मंदिरों में जाकर के अपने इष्ट भगवान श्री राम, अपने इष्ट भगवान श्री शिव का दर्शन किया है। और शिव की बात है तो आप देख लीजिए कि जो पीछे आचार्य इस वक्त आपको दर्शन दे रहे हैं वो काशी से पधारे हैं, वही काशी जो भगवान राम के सखा हैं, वही काशी जहां पर भगवान शिव भगवान राम के स्वामी के रूप में विराजते हैं, वो जगत गुरु हैं। इसलिए काशी भी मगन है क्योंकि काशी से ही ज्योतिषी गणेश्वर द्राविड़ ने इस पवित्र मुहूर्त को निकाला है, जिन्होंने जो भूमि पूजन का भी जो ज्योतिषाचार्य का महत्व बताते हुए निकाला था। और इस वक्त आप देखिए कि गर्भगृह में बहुत ही विशिष्ट मेहमान प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त RSS के प्रमुख मोहन भागवत जी भी पधार चुके हैं इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। अनंत अनंत कोटि आत्माओं की भावनाओं को अपने हाथों में लिए करबद्ध प्रार्थना भगवान श्री राम से, भगवान श्री शिव की धरती से पधारे आचार्यों की उपस्थिति में बहुत ही दिव्य क्षण। वर्तमान में कहा जाए तो भगवान शिव सबसे अत्यधिक प्रसन्न, क्योंकि स्वामी सखा और मित्र ये तीनों ही संबंध भगवान शिव का भगवान श्री राम से। आधे अद्भुत क्षण आपके समक्ष, प्राण प्रतिष्ठा का समय, अद्भुत क्षण, युगांतकारी क्षण, इतिहास में स्वर्णाक्षरों में दर्ज होने वाला क्षण, उसके बाद कहा जा सकता है अरुण गान पर महाप्रगति का। अब यह मंगल गान उठा है, करवट बदली अंगड़ाई ली, सोया हिंदुस्तान उठा है। ये संकल्प के सिद्धि होने का दिन है, ये हमारे पुरखों से किए गए वादों का पूर्ण होने का दिन है, ये विधाता से दिए गए वचन को पूर्ण करने का दिन है, ये उस शपथ के पूरा होने का दिन है जब कहा गया कि जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण, पग पग पर बनी पुनीता है, यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है, नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं हम, मंदिर भव्य बनाएंगे। और आज सौगंध के पूरा होने का दिन है, आज विधाता से दी गई शपथ का पूरा होने का दिन है, आज सदियों की आकांक्षा का पूरा होने का दिन है, आज हर्ष का दिन है, आज उत्कर्ष का दिन है, आज अर्चन का दिन है, वंदन का दिन है, अभिनंदन का दिन है, अर्पण का दिन है, तर्पण का दिन है, पुरखों की अभिलाषा के साक्षात होने का दिन है, आज सकल मनोरथ पूरा होने का दिन है। अजय, जिस तरह से आपने पुरखों की याद दिलाई तो ये जो पौष मास है अश्विनी, वो बहुत ही पवित्र माना जाता है, सभी पुरखों के लिए हम तर्पण करते हैं इस पवित्र मास में। और आज द्वादशी की तिथि है, द्वादशी की तिथि यानी भगवान कूर्म के अवतार की तिथि, वही भगवान कूर्म जिन्होंने सृष्टि के प्रारंभ में समुद्र मंथन के लिए आधार दिया उस मंदराचल पर्वत को, जहां से मसने के बाद अनेक रत्न पैदा हुए, जो आज भी सृष्टि की प्रकृति की इस ब्रह्मांड की सेवा में लगे हुए हैं। माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ उन्हीं रत्नों में, सबसे पहले विष निकला जिसको भगवान शिव ने आज भी धारण किए हुए अपने नीलकंठ स्वरूप के रूप में सभी भक्तों को दर्शन देते हैं, वहीं से अमृत भी निकला, आज वही अमृत निकलेगा भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा के बाद। आज कुर्मावतार के इस पवित्र तिथि पर जिस वक्त आज संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, संपूर्ण राष्ट्र की तरफ से, संपूर्ण विश्व की तरफ से भगवान श्री राम की प्रतिमूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के स्वरूप के रूप में आज मग्न है हनुमान, जो कि महाराजा धीराज हैं, आज सबसे ज्यादा प्रसन्न है भगवान शिव, जिनकी नगरी से पधारे ये आचार्य मंत्रोच्चार के बीच में संकल्प करा रहे हैं। स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे ये जो आह्वान किया जा रहा है, जब रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, और आज भगवान राघव के रूप में पधारने वाले हैं, वो न रघुपति हैं, वो न राजा राम हैं, न सीतापति हैं, आज सिर्फ और सिर्फ कौशल्या के राघव हैं। और बहुत प्रतीक्षित क्षण जब
प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम खड़े होकर के कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण वर्ण के रूप में आज भगवान श्री राम अपने 5 वर्ष के उस अद्भुत छवि का दर्शन देंगे और साथ ही साथ पुराने जो विग्रह है उसके 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 समक्ष जो संपूर्ण जो मानवता है उस वक्त नतमस्तक होगी। आप देख रहे हैं गर्भगृह, पवित्र गर्भगृह जिसका निर्माण संपन्न हो चुका है, शिखर का निर्माण संपन्न हो चुका है और ये अद्भुत क्षण जब प्रधानमंत्री इस वक्त श्री राम लला के सामने पहुंचने ही वाले हैं और बहुत ही पवित्र दिन आज का और द्वादशी का दिन। कल तो पूरी अयोध्या ने एकादशी की, लेकिन 11 दिनों से अपने व्रत के जरिए एक तपस्वी की भांति प्रधानमंत्री मोदी ठीक उसी तरह से जैसे भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले भूमि पर शयन किया, भगवान श्री राम ने राज्याभिषेक से पहले जैसे अन्न जल का त्याग किया, महर्षि वशिष्ठ के कहने पर उन्होंने सारी गतिविधियों का सारी आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है, वृश्चिक नवांश है और अभिजित क्षण है, मृगशीर्ष नक्षत्र है जो कि भगवान चंद्रमा के साथ जुड़ा हुआ है और आज सोमवार का बहुत ही अद्भुत दिन जिसमें ये परम योग बना है। इंद्र योग, आनंद योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, पूर्व कालामृतानुसार जो बाण पंचक सिद्ध योग नहीं होने से ये संजीवनी योग बन रहा है। आप स्पष्ट तौर पर समझे कि ये जो पंच बाण है, पंच बाण न होने से ये संजीवनी योग और लग्नेश मंगल में होने से नवमेश गुरु की परंपरा दृष्टि होने से राजयोग बन रहा है। इस अद्भुत क्षण में, इस अद्भुत योग में ये जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है 12:30 बजे, जिसके लिए 84 सेकंड का समय निर्धारित किया गया है। आप समझिए कि मकर में इस वक्त भगवान सूर्य है और उनके होते हुए पौषे राज्य विविध स्यात या बृहस्पति वचन यहाँ चरितार्थ होता है। तो ऐसे में मंगल प्रसंग में सभी को सम्मिलित होने का जो 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 प्रण है, भगवान श्री राम को यहाँ पर लाने का जो मुहूर्त है वो अद्भुत है और इससे
राम राज्य की प्रतिस्थापना करने में भारत को अवश्य अवश्य मदद मिलेगी और इसी संकल्प के साथ आज इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह की शुरुआत हुई है और अब से थोड़ी ही देर में वो दिव्य क्षण आने वाला है जब भगवान श्री राम में प्राण प्रतिष्ठित होंगे। निश्चित तौर से वह क्षण समीप है जिसका इंतजार सदियों से लोगों का था, वो क्षण समीप है जिसका समूचा चराचर यक्ष गंधर्व सुर नर हर कोई आकर उसका साक्षी बन रहा है। समूचे भारत के सभी पंथ संप्रदाय मत मतांतर सभी धर्मों के धर्माचार्य महामंडलेश्वर हर कोई यहाँ मौजूद है और निश्चित तौर से अगर देखें तो इन्हीं क्षणों के लिए कहा गया है कि नमन करें इस मातृभूमि को, नमन करें आकाश को, बलिदानों की पृष्ठभूमि पर निर्मित इस इतिहास को। असंख्य जो बलिदान दिए गए उस पर आज संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इतिहास तो अयोध्या में लिखा ही जा रहा है, आज एक नए सांस्कृतिक युग का सूत्रपात भी अयोध्या से हो रहा है और आह्वान किया जा सकता है संकल्प के बाद पूरे देश से कि अरुणोदय हो चुका वीर, अब कर्म क्षेत्र में जुट जाएं, अपने खून पसीने से नवयुग धरती पर लाएं। नवयुग की कामना धरती पर लाने की कामना हमारी ही संस्कृति करती है जो सत्य है, शाश्वत है, सनातन है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, जो आनुभद्रा क्रतवो यन्तु विश्वतः की बात करती है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः की बात करती है, जो संपूर्ण चराचर के कल्याण की बात करती है, हमारी ही संस्कृति है जो समस्त विश्व में बंधुत्व और लोक कल्याण के लिए प्रार्थना करती है, मंत्र देती है। अजय, और जिस तरह से हम कह रहे थे ये आप भगवान श्री राम का विग्रह देख रहे हैं जिन्होंने इस प्राचीन स्वरूप में इसी स्वरूप में लोगों को दर्शन दिए। भगवान श्री राम भगवान भरत लाल श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न के साथ लगातार चारों भाई के बाल रूप में दर्शन देते रहे और आज वो भी स्वर्ण के सिंहासन पर प्रतिष्ठित होंगे और साथ में ही दोनों ही मूर्तियों के जो दर्शन होंगे वो दर्शन को प्राप्त होंगे, ख्यातियों को प्राप्त होंगे। बहुत ही आनंद का क्षण जब भगवान श्री राम कृष्ण मूर्ति में कहते हैं कि कलयुग में भगवान का जो वर्ण है वो कृष्ण है, सतयुग में भगवान का वर्ण पीत था, त्रेता में भगवान का जो वर्ण है रक्त है जो लाल रंग का रक्त वर्ण का हुआ और द्वापर में वो नीले रंग के हुए और अब कलयुग में कृष्ण वर्ण के लिए, और इसीलिए जो मूर्ति का निर्माण है वो कृष्ण मूर्ति का निर्माण किया गया है और 51 इंच की जब मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी उसके बाद रामलला के साथ में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य चल रहा है, वो भी दर्शन देंगे जो कि स्वर्ण सिंहासन पर विराज चुके हैं। आप कितनी अद्भुत छवि है उनके हाथ में बाण दे रहे हैं जगत के कल्याण की कामना करने के लिए शांति और प्रसार के लिए जो ये गंगर में जो अद्भुत कार्य किया है उसको आगे बढ़ाते हैं प्रधानमंत्री आज के तत्कालीन
महासचिव भाजपा के बीजेपी इकाई के थे, इन्होंने अपना अंशदान दिया। और अगर एकात्मता यात्रा की बात करें तो 1992 में 14 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता के रूप में आए मुख्यमंत्री यहाँ पर जब भव्य मंदिर का निर्माण हुआ तो उनका पुनरागमन और आज सब वहीं पर एक
एकत्रित हैं। Thank you.
Thank you.
प्रधानमंत्री जी सारे संसद संघ के सरसंघचालक डॉक्टर महोदय
जटायु दर्शन पुष्पार्चन करेंगे, कार्मिकों से मिलेंगे और प्रस्थान करेंगे। डाक विभाग के अधिकारी उनको पीछे की ओर आ जाना चाहिए, मंच के पीछे। Oh,
पूजन विधि पूर्ण हो गई है। बाईं ओर से लोग निकलकर आ रहे हैं, यहाँ कुर्सियों पर बैठेंगे, इधर अंदर कुर्सियों पर बैठेंगे। उधर से प्रवेश कर जाइए, सामने रास्ता। श्री राम राम रघुनंदन राम राम श्री राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणं भव राम राम श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणौ वचसा गृणामि श्री रामचंद्र चरणौ शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचंद्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं।